नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रखे होंगे। आज फिर से एक टॉपिक है चूड़ी का ही, जो कि थ्रेड है। थ्रेड हम काट के आपको दिखाएंगे लेथ मशीन के ऊपर। तो पिछली बार मैंने राजकोट का आपको समझाया था, इस बार एक दिल्ली की मशीन है, दिल्ली बेड की मशीन है, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा। 5 फुट की मशीन के ऊपर मैं जो चूड़ी काटूँगा, कौन सी चूड़ी काटूँगा, चार्ट कैसा है, कैसे करना है, उसका भी तरीका मैं बताऊँगा, लीवर वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर और सीधा चलते हैं हम अपने लेथ मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने लेथ मशीन के ऊपर। छोटी सी मशीन है, 5 फुट और दिल्ली बेड की मशीन है ये। और ये देखिए, यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, तो इसमें इंच और एमएम दोनों का चूड़ी का साइज है। तो और ये कुछ लीवर वगैरह इसमें आप देख पा रहे होंगे हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे सेट करेंगे और चूड़ी कौन सी काटेंगे, ये भी हम आपको बताएँगे। तो देखते हैं चार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और इसके ऊपर फिर वैसा ही कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, थ्रेड्स पर इंच, और इधर लिखा हुआ है मैट्रिक थ्रेड्स, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन के इधर जो है थ्रेड मैट्रिक्स, यानी कि ये एमएम की चूड़ी है, और थ्रेड पर इंच यानी कि ये इंच की चूड़ी है। जैसे इसमें चार है, चार एक बटा चार है, पाँच है, छः है, सात है, दस है, ग्यारह है, चौदह है, पंद्रह, ऐसे ही बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। पर इसकी सेटिंग करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। और ये एमएम की है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऊपर यहाँ पे दे रहा है ना, ड्राइवर 25, फिर न्यूट्रल 100, ड्राइव इन 50, तो ये गियर हैं। वो गियर किधर है आप इधर एक बार देखिए, वो गियर जो होगा आपका इधर मिलेगा, ठीक है, ये पीछे साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला मैंने जो आपको बताया था, ड्राइवर जैसे कि 25 दे दिया, फिर ये आपका न्यूट्रल दे रहा था, फिर ये ड्राइवर, ये जो आपको चलाएगी वो होगी। तो आइए फिर से चलते हैं चार्ट पे। तो आज जो हम चार्ट है ये आपने देख लिया। अब इसमें अगर आज कौन सी चूड़ी मैं पकड़ लूँ, चलिए स्टार्टिंग करते हैं 8 चूड़ी से, ठीक है। 8 चूड़ी है जो यहाँ पे, ये देखिए 8 चूड़ी है, 1 इंच में 8 चूड़ी है ये, ठीक है। और इस चूड़ी की शेटिंग करेंगे और आपको चूड़ी काट कर दिखाएंगे कैसे काटते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले यहाँ समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करता हूँ। ये देखिए 8 लिखा हुआ है ना, 8, 16, 32, 64, और ये 4, यानी कि 4, 8, 16, 32, 64, समझ में आ रहा है आपको कुछ। 4, 8, 16, 32, 64 नीचे दे रहा है 1, यानी कि ये जो 1 है ना, ये लीवर है, ठीक है, ये हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये लीवर, ये देखिए ये लीवर होता है, यहाँ पर आप ध्यान से दिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये छेद वाला दिख रहा है, ऐसे डाउन होता चला जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, ठीक है। तो ये लीवर है, वो कहाँ मेंशन कर रहा है ये भी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है लीवर लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 10, इसमें 6 नहीं है, 5 के बाद 7 है और 10 है, ठीक है। और इसमें पूरा 10 है इंच वाले में, ठीक है। तो हमें क्या काटना है, 8 चूड़ी, ठीक है। तो ये 8 चूड़ी की सेटिंग हम क्या करेंगे, लीवर कहाँ ले आएंगे, 1 पर, ठीक है। तो पहले लीवर सेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, यहाँ पे आप गिनती करिए लीवर सेट करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये गिनती कभी भी ऊपर से नीचे को आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप गिन लीजिए 10, 9, 8, ऐसे करके गिनते हुए यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो हम इस लीवर को सेट करते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए ये आ गया 1 नंबर पर, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, आपने देख लिया कि ये 8 जो है हमने लीवर 1 पे सेट कर दिया है। और अब नंबर आता है ये जो बी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बी और ई लिखा हुआ है, इसको सेट करेंगे। तो ये किधर है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये जो लगा हुआ है ना, यहाँ का एक बोर्ड था वो उतर चुका है, मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर इसका मेंशन क्या हो, यहाँ पर मेंशन है, मिटा हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊँ, मिटा हुआ है। जैसे उधर देखिए, इस साइड में बी दिखा रहा है, बीच में सी है और इधर ए है, ठीक है। तो ए, सी और बी, तो हमें करना कितना था, ये देखिए बी ई करना था ना, तो इसको परली साइड को ले चलेंगे। तो इसको हम चेंज करते हैं, बी पे करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये चला आया बी पे, तो अब तो हमने उसको सेट कर दिया। उसके बाद नंबर आता है, अब तो हमने ये सेट कर लिया है, ठीक है। और अब ये नंबर आएगा इधर, देखिए यहाँ पे एक
चेंज करने के लिए आपको मिला हुआ है। तो ये देख रहे होंगे आप, इधर देखिए, यहाँ पे नज़दीक से देखिए, ये एक स्क्रू है जिसके ऊपर चूड़ी कटेगा और इसके ऊपर फीट चलता है जो कि आपका टर्निंग वगैरह फिनिशिंग करने काम आता है। तो इसमें दो देता है और राजकोट में केवल सिंगल में ही दोनों काम होता है, ठीक है, ये भी नोट करिएगा। तो इसको चलाना पड़ेगा हमें चूड़ी काटने के लिए, तो ये जो है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको इधर कर देंगे और ये देखिए हमारा ये घूमता हुआ आपको दिखेगा, घूम रहा है ना। तो अब तो ये सेट हो गया, अब जो गियर है उसको देख लेते हैं। तो अब आपका गियर का नंबर आता है, जो ये ऊपर लगेगा 25, बीच में लगेगा 100 और नीचे लगेगा 50। तो किधर लगा हुआ है आइए देखते हैं। तो आप देखिए, ऊपर साइड में ये 25 लगा हुआ है, नीचे बीच में हमने जो लगा रखा है 100 और नीचे जो है आपका 50 लगा हुआ है। तो ये गियर की सेटिंग है, इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। आइए अब करते हैं चूड़ी का काम। तो फाइनली दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मैंने एक यहाँ पे शाफ्ट लिया है और शाफ्ट में मैंने टर्निंग कर लिया है, ठीक है। और ये टर्निंग मैंने 49.5 का किया है, ठीक है, क्योंकि ये 50 का रॉड था तो थोड़ा सा टर्निंग करना पड़ता है लाइट कट के लिए, ताकि ये हमारा सीधा हो जाए, फिनिश हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 8 चूड़ी, ठीक है, यानी कि 1 इंच में 8 चूड़ी हम डालेंगे और ये डालेंगे 90 mm की दूरी में, ठीक है। और कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो आप जब भी सेटिंग करें तो पहले यहाँ पे मशीन चला के हल्का सा टूल यहाँ पे टच कर लें, ठीक है। टूल टच कर लिया आपने और देखिए इधर आके, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। अब तूने टूल टच कर लिया, टूल टच करके मैं हमेशा बताता हूँ आप ऐसे चौक से निशान लगा लिए ताकि आपको कम्फर्टेबल रहेगा, अगर भूल भी गए तो ध्यान में रहे आपको, ठीक है। तो इसकी गहराई आएगी हमारी 3.175, ओके, 3.175 इसकी गहराई आएगी। तो हमें बढ़ाना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। 8 चूड़ी के अंदर जो गहराई आएगी वो 3.175, ओके। ये कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैं आपको बढ़िया से एक वीडियो बना के समझाऊंगा, पहले देखते हैं चूड़ी। तो फाइनली दोस्तों, आप ये देखिए, पिछली वाले में मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर के साइड जाएगा तो चूड़ी कटेगा, लेकिन इस मशीन में ये जब नीचे के साइड जाएगा तब चूड़ी कटेगा, ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जैसे देखिए, मैंने मशीन ऑन किया और इसको मैंने नीचे किया और ये देखिए हमारा चाल चलना चालू हो गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं चूड़ी। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, आपको ऐसा थ्रेडिंग गेज लेना है और जिसके ऊपर मैंने 8 लिखा हो, ठीक है, 8G लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको लगा के चेक करिए, आपको मैंने बताया ये तरीका है कि आप ऐसे इसमें लगा के चेक करिए कि हमारा ये 8 चूड़ी है या नहीं है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऐसे लगाइए और चेक करिए कि हमारा 8 चूड़ी है या नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल उसमें जा कर बैठा हुआ है, ये देखिए ये लाइन बाई लाइन मैच कर रहा है। कितना ही बेहतरीन कट रहा है ये, आप ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही आसानी से कट जाता है चूड़ी। बस सेटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ सेटिंग समझ में आ गई तो बिल्कुल ही आसान है और आप चूड़ी काट पाइएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा आप, कि अगर ये जैसे हार्ड मटेरियल हुआ तो आप ऐसे कूलेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पानी इसके ऊपर जो मैंने आपको कटिंग ऑयल के विषय में बताया था ऐसे डाल के आप ठंडा करते रहिएगा तो आपका टूल जो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास मोटर हो तो आप मोटर वाला लगा लें, अन्यथा ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, बोतल है, बोतल में ऐसा छेद करके आप ऐसे इसके ऊपर गिरा सकते हैं बड़े आसानी से, ठंडा करता रहेगा टूल को और आपका काम बहुत ही स्मूथली होगा। एक चीज़ मैं आपको और मेंशन करता चलूँ, ये जो मैं थ्रेड काट रहा हूँ तो
ये जो आठ चूड़ी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आठ चूड़ी में अगर मैं ये लीवर हटा भी दूं, ये जो मैंने लीवर गिरा के चूड़ी काट रहा हूं, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी इसकी चूड़ी मिसमैच नहीं होगी। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, मैं आपको बता दिखाता हूं, आपको करके दिखाता हूं, लाइव देखिए। यहाँ देखिए अभी हमारा चूड़ी कट रहा है ना, बिल्कुल ही कहीं छेड़छाड़ नहीं होगी। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूड़ी कट रही है और ये चूड़ी, ये देखिए मैंने पीछे किया और यहाँ देखिए फिर से, ये जो लीवर है मैं लीवर को ऐसे बिल्कुल उठा लिया और ये मैं इसको पीछे कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए इसको मैं बिल्कुल पीछे कर रहा हूँ, ये मैंने हिला दिया, ठीक है। आप सोचेंगे अब ये तो चूड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये चार TPI में हमारा स्क्रू है और ये आठ चूड़ी है, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब कैसे नहीं ख़राब होगा वो भी मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, बिल्कुल देखते जाइए यहाँ पर, ठीक है। फिर से मैंने रीडिंग लगाया और ये जो देखिए यहाँ, इसको मैं फिर मशीन चालू करके इसके गिराऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये गिरा दिया और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही चूड़ी के अंदर जा रहा है, कहीं भी कोई मिसमैच नहीं कट रहा है ना, बिल्कुल चूड़ी के ग्रुप में ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये फाइनल हो चुका है, क्योंकि अब स्क्रैप निकलना बंद हो गया है, जो मैंने रीडिंग लगाया था वो रीडिंग से ये कम्प्लीट हो चुकी है, क्योंकि स्क्रैप भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये हमारी गहराई पूरी हो चुकी है। और ये चूड़ी हमारा लगभग ये फाइनल हो गया है, अब इसको हम चढ़ा के चेक करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने एक नट बना के रखा था इसका, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं चढ़ा के देखता हूँ कि क्या ये हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। ये नट है, आप देख लीजिए, आपके सामने चढ़ाता हूँ और लग रहा है ये चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डेप्थ हमारा सही है, डाया सही है, तो ये बिल्कुल ही चढ़ेगा। ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए, और ये देखिए कितना फिक्स है। आप सोचेंगे कि ऐसा कितना स्मूथ, देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाओ, ये देखिए, है ना मज़ेदार। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से मैंने छुरी काटा, इसी तरीके से आप भी काट सकते हैं। एक बात और बताता चलूँ आपको यहाँ पे, कि जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो फोरमैन हुआ, हमारा सीनियर हुआ, तो कई लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं अपना चीज़, और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ शेयर किया जाए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाएगा उतना ही अच्छा है। अगर आपका सीनियर, आपका फोरमैन आपको शेयर ना करे, तो एक छोटी सी बात कहता चलूँगा यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, उनके व्हाट्सअप मैसेज पर एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज कीजिए 30 से 40 सेकेंड का, और उस मैसेज में एक गाना कहूँगा, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि उस चीज़ को आप आगे भेजें, ताकि उनका भी दिमाग बिल्कुल हिल सा जाए और सुबह आए तो आपका बिल्कुल ही बल्ले बल्ले हो। वो गाना जैसे कि कबीर दास की दुआई है ना, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना दे और फल लागे अति दूर। जिस दिन वो मैसेज ये पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो उनके दिमाग को लगेगा कि हाँ मेरे जूनियर ने मुझे क्या भेजा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिस दिन अगले दिन आए तो आपका कुछ भला हो, और जब आपका भला हो तो आप अगले का भला करना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आपको लाइक करना है, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाना है। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।